हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर. टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अ वेरी फेमस पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ. इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्ट्स ऑफ वर्ड्सवर्थ. It was written in 1799 and published in the second edition of Lyrical Ballad. The second edition of Lyrical Ballad was published in 1800. Lyrical Ballad is the collection of poems by two writers, William Wordsworth and S. T. Coleridge. William Wordsworth and S. T. Coleridge were very close friends, and so they together published their poems in Lyrical Ballad. The present poem, Lucy Gray, is written in blank verse. So this is all about the poem. Let's start the video. Often I had heard of Lucy Gray, and when I crossed the wild, I chanced to see at break of day the solitary child. पोइट कहता है कि ऑफन आई हैड हर्ड ऑफ लूसी ग्रे, अक्सर मैंने लूसी ग्रे के बारे में सुना है. एंड व्हेन आई क्रॉस द वाइल्ड, जब मैं जंगल से होकर के गुजरता हूँ या जाता हूँ. आई चांस टू सी एट ब्रेक ऑफ डे द सोलिटरी चाइल्ड, तो मुझे सवेरे सवेरे उस बच्ची को, जो एक अकेली मासूम सी बच्ची है, उसे देखने को मौका मिलता है. सेकंड स्टेंजा में पोइट कहता है, No mate, no comrade, Lucy knew. She dwelt on a white moor, the sweetest thing that ever grew beside a human door. No mate, no comrade, Lucy knew. पोइट कहता है कि लूसी को पता है कि ना तो उसका कोई साथी है और ना ही कोई फ्रेंड है. She dwelt on a white moor, वो एक बहुत ही बंजर भूमि पर रह रही है. The sweetest thing she ever grew बिसाइड अ ह्यूमन डोर, एक बहुत ही मासूम और प्यारी सी चीज़ जो कभी इंसानों के बीच में रहा करती थी, अब वो जंगल में रह रही है. सेकंड स्टेंजा में पोइट कहता है, यू एट मे स्पाई द फॉन एट प्ले, द हेयर अपॉन द ग्रीन, बट द स्वीट फेस ऑफ लूसी ग्रे विल नेवर मोर बी सीन. पोइट कहता है कि यू एट में स्पाई द फॉन एट प्ले, आप हिरन के बच्चे को, फॉन की मीनिंग होती है एक बहुत ही छोटा बच्चा हिरन का, तो आप हिरन के छोटे बच्चे को खेलते हुए देख सकते हो. द हेयर अपॉन द ग्रीन, और खरगोश को भी आप घास में खेलते हुए देख सकते हो. बट द स्वीट फेस ऑफ लूसी ग्रे विल नेवर मोर बी सीन, लेकिन आप लूसी ग्रे के उस मासूम से प्यारे चेहरे को आप कभी नहीं देख पाओगे. नेक्स्ट स्टेंजा में पोएट कहता है, टू नाइट विल बी आई स्ट्रॉमी नाइट, You to the town must go and take a lantern child to light your mother through the snow. पोइट कहता है कि लूसी ग्रे को उसके पेरेंट्स कहते हैं कि टुनाइट विल बी अ स्टॉर्मी नाइट, आज की रात बहुत ही तूफानी होगी. यू मस्ट गो द टाउन, और आपको शहर जाना चाहिए. एंड टेक अ लैंटर्न, अपने साथ एक लालटेन ले लो, चाइल्ड, मेरी प्यारी बच्ची, टू लाइट योर मदर थ्रू द स्नो, और अपनी मम्मी को लाइट दिखाने के लिए, रोशनी दिखाने के लिए इस बर्फीली रात में. अगले स्टेंजा में पोएट कहता है, दैट फादर विल आई ग्रेडली डू दिस स्कार्सली आफ्टरनून, द मिनिस्टर क्लॉक हैज जस्ट स्ट्रक टू एंड योंडर इज द मून. अब लूसी ग्रे अपने पिता को रिस्पॉन्स करती है कि दैट फादर विल आई ग्रेडली डू, मेरे पिता ये तो बहुत ही खुशी की बात होगी और ये मैं बहुत ही खुशी खुशी करूँगी. दिस स्कार्सली आफ्टरनून, अभी मुश्किल से दोपहर हुए हैं. द मिनिस्टर क्लॉक हैज जस्ट स्ट्रक टू, और घड़ी में अभी केवल 2 बजे हैं. एंड यॉन्डर इज़ द मून, और चंद्रमा भी बहुत दूर है, चाँद भी बहुत दूर है. इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि अभी चाँद को निकलने में काफ़ी समय बाकी है. अगला स्टेंजा है, At this the father raised his hook and snapped a fagot band. He piled his fork and Lucy took the lantern in her hand. इसके बाद में पिता ने अपनी हुक उठाई, उसके फादर अपना हुक उठाते हैं. एंड स्टेप्ड अ फैगॉट बैंड, और लकड़ी काटने में लग जाते हैं. ही पाइल्ड हिज वर्क, वो अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। द लूसी टुक द लैंटर्न इन हैंड, और लूसी ग्रे उस लैंटर्न को अपने हाथ में लेती है। नॉट ब्लैदर इज द माउंटेन रो विद मैनी अ वांटन स्ट्रोक, हर फीट डिस्पर्स द पाउडर स्नो दैट राइजेज अप लाइक अ स्मोक। नॉट ब्लैदर इज द माउंटेन रो, रो मिस होता है हिरन, ये उतना खुश होती है जितना कि एक हिरन भी नहीं होती, यानी कि बहुत ज़्यादा खुश होती है। विद मैनी या वांटेड स्ट्रोक, वांटेड की मतलब होता है वेस्टफुल, और ये बहुत अपना जो होता है चल रही होती है तो अपने पैर स्ट्रोक करते हुए यानी कि ज़मीन पर रगड़ते हुए चलती है, झटके देते हुए चलती है। हर फीट डिस्पर्स द पाउडर स्नो, और इस तरह से वो स्ट्रोक मारती है ज़मीन पे कि जो स्नोई पाउडर होते हैं वो बिखर जाते हैं। दैट राइजेज अप लाइक स्मोक, और वो आसमान में उठते हैं जैसे कि धुआं निकल रहा हो। द स्टॉर्म केम ऑन बिफोर इट्स टाइम, शी वॉन्डर्ड अप एंड डाउन, एंड मेनी अ हिल्स डिड लूसी क्लाइम बट नेवर रीच द टाउन। तूफान अपने समय से पहले आ जाता है, लूसी ग्रे ऊपर और नीचे इधर उधर भटकती रहती है। एंड मेनी अ हिल्स डिड शी क्लाइम, वो बहुत सारे पहाड़ियों पर चढ़ती है और उतरती है। बट नेवर रीच द टाउन, लेकिन कभी भी वो अपने शहर नहीं पहुंच पाती है। नेक्स्ट स्टैंजा है द रेस्ट पेरेंट्स ऑल दैट नाइट वेंट शाउटिंग फॉर एंड वाइट, बट देयर वॉज नीदर साउंड नॉर साइट टू सेव देम फॉर अ गाइड। द रेस्ट पेरेंट्स ऑल दैट नाइट वेंट शाउटिंग फॉर एंड वाइड, उसके जो मायूस या परेशान या बेचारे माता पिता होते हैं वो पूरी रात चिल्लाते रहते हैं और इधर उधर भटकते रहते हैं। बट देयर वॉज नीदर साउंड नॉर साइट, लेकिन ना तो कहीं लूसी की आवाज़ सुनाई देती है और ना ही कोई दृश्य होती है, यानी कि ना कोई उसकी शिनाख्त या पहचान नज़र आता है। टू सर्व देम फॉर अ गाइड, जो उसकी मदद कर सके एक गाइड के तौर पे या जिससे उनकी पहचान हो सके। At the daybreak on a hill they stood that overlooked the moor, and hence they saw the breeze of wood a furlong from their door. सवेरे सवेरे वो लोग जाते हैं और एक हिल पर खड़े होते हैं और वहाँ से उन्हें वो जंगली स्थान दिखाई देता है। And thence they saw the breeze of wood, और वहाँ से वो उस लकड़ी के ब्रिज को देखते हैं, वहाँ से दिखाई देता है उन्हें। फॉर लॉन्ग फॉर देयर डोर, जो उनके घर से काफ़ी दूर होता है। दे वेंट एंड टर्निंग होमवर्ड क्राइड, इन हेवन वी ऑल शैल मीट। दे वेप्ट, वो लोग रोते चिल्लाते हैं, एंड टर्निंग होमवर्ड, और घर की तरफ वापस आ जाते हैं ये कहते हुए चिल्लाते हुए। इन हेवन वी ऑल शैल मीट, कि हम लोग जन्नत में मिलेंगे, स्वर्ग में हमारी फिर से मुलाकात होगी, हम सारे लोग फिर स्वर्ग में मिलेंगे। व्हेन इन द स्नो मदर इंस्पायर्ड द स्प्रिंट ऑफ द लूसी फीट, तभी उसी दौरान क्या होता है कि लूसी ग्रे की मम्मी को लूसी के फुटप्रिंट के निशान मिल जाते हैं। देन डाउनवर्ड्स फ्रॉम द स्टीप हिल्स एज दे ट्रैक द फुट मार्क्स स्मॉल, एंड थ्रू द ब्रोकन हॉट एज and by the long stone wall. Then the downward from the steep hills feel, वो लोग क्या करते हैं उस हिल से पहाड़ी से नीचे आते हैं। They tracked the footmarks small, और वो छोटे छोटे जो पैरों के निशान होते हैं उसी को ट्रैक करते हैं, उसी के सहारे आगे बढ़ते हैं। And through the broken horn edge, और वो लोग गुजरते हैं नागफनी के बीच से होकर के। And by the long stone walls, और लंबी लंबी पत्थर को दीवारों से होकर के गुजरते हैं। एंड देन एन ओपन फील्ड दे क्रॉस, द मार्क्स वर स्टिल द सेम, दे ट्रैक्ड देम ऑन नॉर एवर लॉस्ट। और उसके बाद क्या होता है कि जब उससे गुजर रहे होते हैं, एंड देन एन ओपन फील्ड दे क्रॉस, उसके बाद में वो लोग एक खुले हुए मैदान को क्रॉस करते हैं। द मार्क्स वर स्टिल द सेम, लेकिन अभी जो पद के चिन्ह थे, निशान थे, वो अब भी वैसे ही मिल रहे हैं। द ट्रैक डेम ऑन, उसको ट्रैक करते हुए आगे बढ़ते हैं। नॉर एवर लॉस, जो अभी खोए हुए नहीं है। एंड टू द ब्रिज दे केम, और उसी पथ के निशान के थ्रू वो ब्रिज के पास आ जाते हैं। अगला स्टेंजा है दे फॉलोड फ्रॉम द स्नोई बैंक दोज फुटमार्क्स वन बाय वन इनटू द मिडल ऑफ द प्लैंक एंड फर्दर देयर वर नन। दे फॉलोड फ्रॉम द स्नोई बैंक, और वो लोग जो बर्फीले किनारा होता है उसी के किनारे से होकर के आते हैं। दोज फुटमार्क्स वन बाय वन, और वही फुटमार्क्स का पीछा करते हुए आते हैं एक के बाद एक जो उनको दिखाई देता है। इनटू द मिडल ऑफ द प्लैंक, और प्लैंक यानी कि एक तख्ता होता है लकड़ी का, तो अब लोग उस ब्रिज के बीचों बीच में पहुंच जाते हैं। एंड फर्दर देयर वर नन, और उसके बाद में उन्हें कोई भी निशान दिखाई नहीं देता है। येट सम मेंटेन्स दैट टू दिस डे शी इज लिविंग चाइल्ड दैट यू मे सी स्वीट लूसी ग्रे अपॉन द लोनसम वाइल्ड। येट सम मेंटेन दैट टू दिस डे, लेकिन कुछ लोग आज भी ऐसा मानते हैं। शी इज़ अ लिविंग चाइल्ड, कि वो एक जीवित लड़की है। दैट यू मे सी स्वीट लूसी ग्रे, और वो कहते हैं कि आप उस लूसी प्यारी सी लूसी ग्रे को देख सकते हो। अपॉन द लोनसम वाइल्ड, उस तन्हा भरे जंगल में या तन्हाई के जंगल में। ओवर रफ एंड स्मूथ शी ट्रिप्स अलॉन्ग and never looks behind and sings a solitary song that whistles in the wind। ये लास्ट स्टैंजा है। पोएट कहता है कि वो रफ एंड स्मूथ शी ट्रिप्स अलोंग, उस रफ और स्मूथ रास्ते से होकर के वो यात्रा करती रहती है। एंड नेवर लुक्स बिहाइंड, और कभी भी पीछे नहीं देखती है। एंड सिंग्स अ सोलिटरी सॉन्ग, और एक तन्हाई की गीत गाती रहती है। दैट विसल्स इन द विंड, जो हवा में गूंजती रहती है। तो ये रही हमारी आज की पोइम। होप आपको समझ आया होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।